बाजी इसे ओपन तो करो। हाँ ओपन करो। नहीं एक ही बस, एक ही ठीक है। कलर भी बहुत अच्छा। ठीक है कलर। 7 6 5 4 3 2 1 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर मॉम। और हम सब लोगों ने एक प्यारा सा सरप्राइज मम्मी के लिए रखा है। पापा लुंगी पहन के मत आओ यार। कितने साल के हो गए आप? मम्मी को पता ही नहीं कितने साल की हो गई है। मेरे पास आपके लिए एक बहुत प्यार सा सरप्राइज है, ठीक है? वो क्या सरप्राइज है पहले केक कट कर लो, उसके बाद में दूंगा। और भाभी भी स्पेशल ओकेजन पे आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे। गाना तो गाते नहीं हुए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मॉम। हटाओ ना हमारा लो। ये लो भाई, मेरा बर्थडे है। बर्थडे गर्ल ने, सॉरी बर्थडे वुमेन ने, बर्थडे बॉय नहीं, बेटे को, बर्थडे बेटे को, बंदे बेटे को, नहीं बंदे बेटे को, बंदे बेटे को। चलो भाई जल्दी एक्सपोज करो। I don't know यार, आप लोग सोच रहे होंगे भैया कितना केक काटते हैं यार, कितना सरप्राइज सरप्राइज देते हैं, बट मैं कम से कम मैंने 6 से 7 केक काट करे हैं। सरप्राइज ही सरप्राइज रहा ये वक्त और ये मंथ, बहुत अच्छा गया माशाल्लाह से। मम्मी को देते सरप्राइज, तो ये है वो सरप्राइज, ठीक है? मम्मी भाई जल्दी देखो यार, ठीक है? ये लो, रुक सर कम ना यार, देखो टच नहीं करना, बस ऐसे ऊपर से उठाना है, ठीक है? इसको सस्पेंस। एक्चुअली रुखसार को भी नहीं पता है कि मैं सरप्राइज लेकर आया था मम्मी के लिए। ये देखो। नो। ये लो। इसे ओपन तो करो। अभी? हाँ ओपन करो। क्या? एक बड़ी है क्या? वैसे गैस करो क्या हो सकता है? कुछ है। गैस करो क्या हो सकता है? इतना भारी भरकम गिफ्ट किसी ने दिया नहीं होगा आज तक लाइफ में, तुम्हें पता है इतनी महंगी चीज है। मम्मी का फूटने वाला है सारा का भरम, फूटने वाला है। 2 रुपए सिक्का सरप्राइज था, मतलब सबको ये सच में इतना खुश हुए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। नहीं एक्चुअली ये मस्ती मजाक के लिए था, बाकी मम्मी के लिए प्यारा सा गिफ्ट होगा वो कल, जब और कल सायमा भी आएगी। सो जो सरप्राइज है वो क्या है वो आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा, अब तो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए है ना भाभी। ऐसे कौन मांगता है गिफ्ट, मैं इनसे सब कुछ मांग पहुंच गए जी। आ रहा सामने का शूट दिख रहा है? हाँ आ रहा हूँ, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा बिल्कुल। बंद हो गया क्या? लोन हो गया तुम्हारा? चलो मैं जा रही हूँ। चलो जी गुड नाइट। बंद हो गया ये बेबी? चल रहा है। अच्छा सब डालूंगा ऐसे ही दिखाऊंगा। चलो बाय बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। और हाँ सुनो,
फ्रूट्स वगैरह कुछ मिले एप्पल तो ले लेना ध्यान से। हॉस्पिटल में एप्पल बेच नहीं आएगा क्या कोई? हाँ तो कोई ना कोई चलाता होगा, सारे यहाँ मरीज तो आते हैं। कहाँ जा रही है? अच्छा बैठो तो सही, इधर बैठो तो सही, इधर प्यार से बैठो, ऐसे बैठ जाओ आराम से, सुनो तो सही, सुनो नहीं, अच्छा सुन लो, घूमने चलोगे? नहीं। घूमने चलोगे? गुस्सा क्यों? गुस्सा क्यों तो बताओ, किसने बोला कुछ, किसी ने कुछ बोला आपको? हाँ छोड़ दो, बट गुस्सा है ना, पितो हाँ सॉरी, देखो नीनू सॉरी बोल रही है ना, गंदी बात, ऐसे नहीं करते आप, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे दादा तो गुस्सा करेंगे ना, आप पढ़ाई नहीं करते हो ना, गंदे बच्चे हो रहे हो आप। आप सुनो, आप सुनो पहले मेरी बात, क्या हुआ? आप भग गई? आप को चुप नहीं कराया आपने? मैंने मारा आपको? चाचू ने मारा है? मैंने मारा था आपको? हिम्मत हुई मारने की? आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो आपको समझा रहा था आप पढ़ाई नहीं करोगे तो दादा गुस्सा करेंगे ना। और हमारा आपको चाचू ने मारा? चाचू तो प्यार करते हैं आपके लिए, ये देखो क्या मंगाया था आपने और नीचे जमीन में फेंक दिया। हाँ जी, तो घर में आ चुके हैं सब लोग, क्योंकि एज यू ऑल नो कि आज मम्मी का बर्थडे है, सो यहाँ पर सब लोग हैं, साइमा भी आ गई है, हेलो, और भाभी वहाँ लेटी है और बड़ी वाली भाभी इस साइड है, और मैं और रुखसार जा रहे हैं अलकनंदा मार्केट, क्योंकि हमें लेना है कुछ सामान, केक भी लेना था और एक चीज और भी लेनी जो कि है मायशा की मनपसंद की, ये बात साइमन ने बताई थी बट अभी उसको पता नहीं है कि मैं क्या लेने के लिए जा रहा हूँ। हाँ दवाई खा लो फटाफट से। रुखसार की भी तबीयत अभी पहले से तो काफी बेटर हो गई है बट अभी भी थोड़ा सा मतलब ठीक हूँ, मतलब वीकनेस है थोड़ी धीरे धीरे करके ही जाएगी, पहले से तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ। चलो ठीक है, जो मंकी था वो ले लिया हमने, एक्चुअली बहुत टाइम से वो मंकी देखती रहती है ना, आपने भी ब्लॉग में देखा होगा मेरे भाई की, वो मंकी से ज्यादा उसको लगाव है, मतलब उससे अच्छे लगते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे ही नॉर्मल बस कि दे देते हैं। केक लेना था मम्मी के, मम्मी का, सो लेट्स सी। ठीक है नाइस। आप अपनी ख्वाहिश पूरी करो बोल के। अब मैं आ गई हूँ घर वापस। मैं भी आया हूँ यार, सर अकेले नहीं आ रहा हूँ। मतलब हमें आप कहीं आ गए आप लोग, घर शॉपिंग करके फाइनली कुछ स्पेशल था मम्मी के लिए बर्थडे का केक ले लिया है, और थोड़ा सा कुछ स्पेशल है वो अंदर भी, चलो वो अंदर जाकर देख लेंगे। टेन 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 चुमिया दोगे तो दे। क्या बोला तूने? चुमिया मिलेंगे तो देंगे। माई शू, माई शू के लिए गिफ्ट। माइशू की खुशी तो देखो, आई नो, मैं जब भी देखता था जाते आते तो हमेशा मंकी करती रहती, तो घर में ब्लॉग में बताया था ये चीज, बंदर लेना चाहते थे। ए माइचू ये कौन है? एक सेकंड मैं पूछती हूं, माइचू ये कौन है? ताकि आया तो फ्लेवर बता दो, ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, मैं मान जाऊं। अगर तूने बता दिया ना तो कुछ नहीं, नॉर्मल पूछ रहे हम तो बस। अरे दूसरा वाला बता दिया पहले, मैं जानती हूं ये वो चालाक है। केरोसिन नहीं, पीजा नहीं, ये केरोसिन भी नहीं है, ये तो सजना मान गई। क्या रसीन है ये? खा वो आम पन्ना। सॉरी लको आम पन्ना। अरे वो है बाजी हिंग का पानी, वो गप्पे का है तो मैं घर आती थी बस सही से बोल सकते हैं, ये हिंग का पानी है। लोग भी सोच रहे होंगे कि यार जिसका जन्मदिन है उसका आता पता नहीं है, और सरप्राइज मिल रहा है फलाना फलाना लोगों को, सो ये हमारी बर्थडे वुमेन मामा। एक मेरा तो हाँ
हाँ। यार आपके लिए किसी ने कोई सरप्राइज नहीं दिया ना अभी तक। So sad. नहीं, नहीं उसको नहीं उठा। इतना सारी चीजें पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई, सच में यार अच्छा लग रहा दिखने में। कटोरी लो, जल्दी लो। जिसको जो चाहिए दो तरीके के पानी है, जिसमें जो चाहिए अभी आप वाला ले लेना, वो तीखा नहीं है। मम्मी के बर्थडे पे स्पेशली मैं आज मटन बिरयानी बनाने जा रही हूँ। मम्मी की फरमाइश है कि मैं आज बिरयानी खाऊंगी, और सब लोग चाहते हैं। आप भी आइए तो आपकी कोई पसंद है बिरयानी तो सब लोग चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी चॉइस है। और फहीम भी चाहती है कि हम नॉनवेज खाएं, मतलब कोरोना शोरना मना है, बट सबके लिए चलो कोई याद नहीं, हम फिर कभी नॉनवेज बना लेंगे। लेकिन आज हम मैं मटन बिरयानी बनाने जा रही हूँ। बेसिकली आज तुम शेयर करोगे अपनी बिरयानी की रेसिपी। मटन बिरयानी की बनाना स्टार्ट कर दिया है, और इसके लिए तैयारी कर ली है। मैंने प्याज काट लिया है, हरी मिर्च, ये मेरी अखनी हो चुकी है, इसका पानी मैंने सेपरेट कर दिया है। ये मेरे सोखे हुए चावल है, ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी मेरे गरम मसाले। तो अब मैं आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मुरादाबादी बिरयानी सिंपल वे में, और इसके साथ में रायता और एक स्पाइसी चटनी होती है, जिसको भी मतलब स्पाइसी खाना तो चटनी के साथ मिक्सअप करके खा सकता है। चटनी बनाऊंगी, और हाँ, और रायता। यहाँ पे भाई अपना फैमिली टाइम चल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड मम्मी का बर्थडे, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली बैठ के गप्पे शप्पे कर रहे हैं, मस्ती मजाक। कल का टाइम दे रही है, कह रही उन्होंने। चलो ठीक है, साथ तुम दिखाओ कैसी बनी है। बिरयानी बन चुकी है, तो चार बार बोल चुके हो, आगे दिखाओ। ओ माशाल्लाह, ये है मेरी बिरयानी। और मटन बिरयानी रॉन्ग तो हमारी बिरयानी बन गई होगी यार। और ये रही हमारी चटनी, मैं कह रही हूँ पक्की बात बताओ। अच्छा चटनी बना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गाना लगा दिया है, कौन सा गाना? हैप्पी बर्थडे गाना चलेगा। मम्मी और यहाँ वाली है, आ गई है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बहुत ही मजा आया, और केक सेलिब्रेशन मम्मी का हो गया। और यहाँ पर आप ये देखो ये क्या हो रहा है, सारे के सारे बावले हो गए। नहीं, आज आपने जो बिरयानी बनाई है वो टेस्ट करेंगे ना। बिरयानी टाइम, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। एक्चुअली रिक्सार की जो दवाई है वो खत्म हो गई है, सो टाइम 9 बज चुके हैं, शायद क्लिनिक भी बंद ना हो गया, तो पहले फटाफट चल के देख के आते हैं कि दवाई मिलती है कि नहीं। रुखसार ने फर्स्ट टाइम घर में जो है बिरयानी बनाई है, मटन बिरयानी। सो यहाँ पे सब लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, सो लेट्स सी कि कैसी बनी है। शुक्रिया बहुत बहुत, जान में जान आ गया।